हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। हे गाइस, अभी हम लोग देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का फंडा मैं बताता हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी से 14 क्वेश्चन, ह्यूमन फिजियोलॉजी से यहाँ लिखता हूँ 14 क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये आएंगे और ये मस्ट है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये 14 क्वेश्चन ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से आएंगे और पूरा का पूरा 100% 0.1% भी NCERT के बाहर से नहीं आएगा, 100% NCERT आएगा। क्लियर है? अब NCERT मतलब क्या, आप लोगों को समझ में आता है कि ये जो लिखा है वो NCERT मतलब होता है बिटवीन द लाइन्स। तो बिटवीन द लाइन्स भी थोड़ा सा पढ़िएगा उसमें, क्लियर है? पर अगर ये जो लिखा हुआ है इसमें मतलब लेके चलिए कि 90% NCERT आता है, समझ में आ रहा है ना। 14 क्वेश्चन मतलब 56 नंबर, और 16 क्वेश्चन आया था नीट 2017 में, 16 या 15 क्वेश्चन, 60-70 नंबर लेके चलता हूँ मैं फिजियोलॉजी। अगर 14 क्वेश्चन आएगा तो 50 प्लस मार्क्स ये कंटेन करेगा। तो अभी मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का आप लोगों को यही बोलूँगा कि पूरा का पूरा NCERT आपका मतलब जुबान पे होना चाहिए, एकदम पिक लेवल पे होना चाहिए। सबसे अच्छा अगर होना चाहिए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी होना चाहिए। और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कर कि पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी बेसिक से पढ़ाऊँ, पर हाँ इतना मैं ज़रूर करूँगा कि आप लोगों को अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूँ 2018 के लिए कि ये क्वेश्चन बनकर आने वाले हैं, ठीक है? तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का मैं बता दूंगा, क्लियर है? और अभी आप लोग क्या करेंगे, NCERT बुक लेकर के बैठेंगे और NCERT में मार्क कर लेंगे। देखो मुझ पे यार जो भरोसा किए हैं तो वो भरोसा मतलब छोटी चीज़ नहीं है, समझ में आ रहा है? और मुझे अब मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप है कि मुझे देना है, मतलब देना है क्वेश्चन आपको, देकर एकदम से फिट करके भेजना है एग्ज़ाम में। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो पहले सोचते थे कि नहीं होगा पर अभी सोचते हैं कि होगा, तो ये जो सोच चेंज हुआ है ना इसके बदले हुआ है, ठीक है? और ये सोच चेंज क्या है निकलवा के मैं छोड़ूंगा आपका, ठीक है? तो समझना और मार्क करते चलना, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करना, मेहनत करो पूरा। डायमंड मालूम है ना, डायमंड को क्यों चमकता है बार बार बताता हूँ, उसे घिस दिया जाता है पूरा, ठीक है? उसी तरह आप लोग को भी तराशा जाएगा अभी, तो पूरा घिस दो अपने आप को। जितना घिसोगे ना उतना साइन आएगा, और साइन आएगा जितना चमकोगे उतना आपका कॉस्ट होगा, समझ में आ रहा? उतना मार्केट प्राइस आपका बढ़ेगा। तो खुद को काबिल बनाओ, काबिल। बाकी नीट क्या, बहुत कुछ मिलेगा जीवन में, ठीक है? बहुत कुछ मिलेगा। और यही तो है, बनना क्या चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनने के लिए ना नीट पढ़ रहे हो। तो डॉक्टर क्या चीज़ करता है, 6-6 घंटा 7-7 घंटा ऑपरेशन करते हैं बड़े बड़े सर्जन, ठीक है? और वो ऑपरेशन छोटा चीज़ नहीं होता है, एक थोड़ा सा तार कट गया ना तो आदमी कट जाएगा, समझ में आ रहा है? कोई इंजीनियरिंग नहीं है ये कि रॉकेट फेल हो गया तो रॉकेट को दोबारा बनाकर फिर से किया जा सकता है। मानते हैं बहुत मिलियन ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर्स मनी जाता है, जाने दो ना, मनी तो आएगा जाएगा, मनी का कुछ नहीं है। आदमी को ला सकते हो क्या, एक बार आदमी चला जाता है उसको ला सकते हो, नहीं ला सकते हो, ठीक है? तो इसलिए वो चीज़ मिलने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्लियर है? तो होगा आपसे, मेहनत करो सब चीज़ मिलेगा, ठीक है? तो चलो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी लिखते चलना, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे पहला हम लोग डाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, डाइजेशन से लेके पूरा हम लोग कहाँ तक ख़त्म करेंगे, ये वाला ख़त्म करेंगे। और बाद में मैं आप लोगों को NCERT से ऊपर हट करके भी आप लोगों को नोट्स दे दूंगा, मैं सब कुछ दूंगा और तुरंत दूंगा, पर अभी जो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मार्क कर लेना, ठीक है? बता दूंगा ये 2018 में आएगा और उसे मार्क कर लेना, जैसे ये देखो लिखा हुआ है उस तरीका से आप लोग लिखते चलना उस पॉइंट को, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से। देखो तो सारा इम्पोर्टेंट बताते चलूँगा, जहाँ जहाँ आप लोगों को नीट 2018 लिखा हुआ मिलेगा उसे नीट 2019 कर लीजिएगा। इससे पहले हम लोग पेपर देखते हैं, ये रहा नीट 2018 का पेपर, पहले भी आप लोगों को दिखाया होगा। तो चलो एक राउंड आप लोगों को मैं दिखाता ही हूँ इसे। क्या चीज़ बोल रहा है कि लॉन्ग कंडीशन इन अस्थमा एंड इम्फेसिस। चलो मेरा नोट्स थोड़ा देख लिया जाए भैया, ये नोट्स पुराना नोट्स है, कुछ कुछ चीज़ नहीं बता पाया था। ये तो हार्मोन का है नोट्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है नोट्स, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये आ गया एक्सचेंज का नोट्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या मैंने ये पढ़ाया था। रिस्पायरेटरी ब्लड, यूजनोफिल्स,
प्लाज्मा, चलो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर डिसऑर्डर पढ़ाया, तो यहाँ पर एकदम हल्का सा थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है आप लोगों को, पहले भी सेल का मैंने दिखाया था तो सेल का भी ऐसा ही नोट्स होगा। तो ये पिछले साल का नोट्स है, रंगीन दिख रहा है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही उसमें घसीट दिया था। चलो थोड़ा आप लोगों को लैंग्वेज लगता होगा नॉर्थ साइड का, तो कोई बात नहीं है। चलो यहाँ पे आ जाओ, देखो अस्थमा क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स। अस्थमा किसके कारण होता है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स। इम्फिजेमा किसके कारण, क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वोलर वाल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीजेस। रिस्पायरेटरी सरफेस, जैसे ये मान लो रिस्पायरेटरी का लंग्स है समझ लो, और ये जो लंग्स है ये ऐसे 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 हो जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है, और जिसके कारण यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोगों का हार्ट पंप करता है, और लंग्स में जो एल्वोली सरफेसेस होता है वो हम लोगों का ऑक्सीजन डिफ्यूजन वाला काम चलता है, ठीक है, तो वो सारा कुछ खत्म होने लगता है। वन ऑफ द मेजर काउज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग, ये मैंने पढ़ाया था। और ये है यहाँ पर अस्थमा एंड इम्फिजेमा ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो अस्थमा अभी अभी यहाँ देख लो एकदम सामने लिखा हुआ है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स, और इम्फिजेमा डिक्रीज रिस्पिरेटरी सरफेस, यहाँ देख लो साफ साफ लिखा हुआ, और उससे ज्यादा ही यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वोलर वाल्स आर डैमेज। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, वाल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रिस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेज, ड्यू टू विच रिस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेज, इसका मतलब कैसे होता है, डिक्रीज, और अपवर्ड डायरेक्शन मतलब इंक्रीज। केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, जगह का कमी रहता है इसलिए करता हूँ। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, 12 से आप लोगों को 14 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, पूरा तो मैंने नहीं ढूंढा पर जहाँ तक ढूंढा हूँ एक क्वेश्चन बन गया। अब आ जाता है आप लोगों का ट्राई का स्पीड वाल्व और बाई का स्पीड वाल्व और सेमिनल ऐसे वाल्व, ठीक है, तो ये वाला आप लोगों को कहाँ इसमें है कि नहीं ढूंढना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ेगा, मुझे ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा, पर बुक में सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, सारा कुछ एनसीईआरटी से पूछा हुआ है, ठीक है। और ये मैं क्या, मैं थोड़ी ना भगवान हूँ यार, एनसीईआरटी से मैं भी बनाता हूँ इसको, ठीक है, सब कुछ एनसीईआरटी से बनाया है। और रिस्पिरेटरी का ही देख लेते हैं, रिस्पिरेटरी का, क्योंकि अभी ब्लड का मेरे पास यहाँ पे ईसीजी तक है, और ईसीजी से पहले है कि इसी, देखो यहाँ पे शायद बाई का स्पीड हल्का सा दिखा और ट्राई का स्पीड, तो देखो ट्राई का स्पीड कहाँ होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का ओपनिंग गार्ड है, ठीक है, ट्राई का स्पीड। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्राई का स्पीड बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो ए का 3, और ए का 3 सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 1, तो बन गया ये चीज़। अब बाकी आप लोगों को पढ़ना है तो ये पूरा पढ़ लेना, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्क भी किया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ एट्रियम और आट्रियो वेंट्रिकुलर पूरा कुछ। तो ये दो क्वेश्चन हो गया, अब आ जाओ तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का। तीसरा क्वेश्चन आता है टाइडल वॉल्यूम रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व, तो यही तो है मेरा नोट्स। अब यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पर भी है, और साथ साथ आप लोगों को एम्स के लिए जब पढ़ाया था तो एम्स के लिए भी है, यहाँ पर शायद दिख रहा होगा ये रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से लेकर 1200 मिलीलीटर, वाइटल कैपेसिटी 450, IRV 2500 से 3000, और आई कैपेसिटी इतना, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे, और रेसिड्यूअल वॉल्यूम सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ। और यहाँ पर तो थोड़ा कम लिखा हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, पर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है। टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, फिर आप लोगों का आता है आप लोगों का हेल्दी पर्सन 6000 से 8000 मिलीलीटर लेता है, फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 25 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना, रेसिड्यूअल वॉल्यूम 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और ये एनसीईआरटी में नहीं है पर आप भी लिख सकते हैं यार, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो एनसीईआरटी में दिया, तो उसको प्लस करके भी बताया था कि अगर ये चीज़ पूछ दे तो प्लस करके ये चीज़ आना चाहिए, न्यूमरिकल फॉर्म में पूछ देगा कि टाइडल वॉल्यूम इतना है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बता दो, तो वहाँ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी सोचते रह जाएंगे, याद करते रह जाएंगे, नहीं याद कुछ नहीं करना है, वहाँ दिमाग लाना पड़ेगा कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये एडिशन करके आप लोगों का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
फिर आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो सारा कुछ आप लोगों लिखा हो। फिर फंक्शनल रेसिड्यूअल, तो फंक्शनल रेसिड्यूअल को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम। फिर वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रेसिड्यूअल वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। फिर टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी भी अप्रोक्स 5700 लिखा हुआ है, आप लोग भी करके देख लीजिएगा। तो ये चीज़ तो बन गया ना, ये चीज़ तो इससे ज़्यादा मैंने पढ़ा दिया है पूरा, तो ये तो चीज़ बन गया। अब देख लो टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर से 550, तो ये हो गया आप लोगों का 3। तो ए का 3 ए में दिया है, बी में दिया है, थोड़ा दिमाग लगा के बनाना, घबराना मत, क्वेश्चन पेपर देख के घबराना मत। पहले तो ऑप्शन में देखना कि एक भी अगर आता है ना आपको इसमें से, तो देखो मान लो टाइडल वॉल्यूम आता है, तो टाइडल वॉल्यूम आता है तो टाइडल वॉल्यूम पे कंफर्म होगी टाइडल वॉल्यूम का 3 होगा। तो ये ए का 3 किस में दिया है, तो ए का 3 सिर्फ दो ऑप्शन में दिया, ए और बी, 1 और 2 में। तो 3 4 को तो पहले काट दो, 3 4 को भूल जाओ कि क्वेश्चन पेपर में आया भी ऑप्शन। अब ए और बी के बात करना, और इसमें से एक और चीज़ आ गया तो काम बन गया। रेसिड्यूअल वॉल्यूम देख लो, रेसिड्यूअल वॉल्यूम हम लोगों को कितना होता है, रेसिड्यूअल 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर, तो डाल दो 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर, तो ये भी बन गया। क्वेश्चन काउंट करते चलना, 3 क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम मेरा नोट्स, ठीक है। अब आता है आप लोगों का एसिड, अब ये भी ढूंढना पड़ेगा, अब ये ढूंढना पड़ेगा और टाइम लग जाएगा मुझे लेक्चर में बहुत ज़्यादा, पर इतना विश्वास रखो यार, इतना मेहनत है तो यहीं से आया, ठीक ना। अब एक एक क्वेश्चन आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ ना डायरेक्ट, पढ़ के इस पे हार्ड वर्क करके नहीं बनाता हूँ, डायरेक्ट उठता हूँ, क्योंकि मेरा भी खुद का पर्सनल कुछ होता है, समझ सकते होगा आप लोग भी, तो उठता हूँ आप लोगों के लिए समय निकालता हूँ और वीडियो और लेक्चर को निकालता हूँ। मेहनत है, पर ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं है। आप लोगों को एपिनेफ्रिन जहाँ पे है ना, वहीं पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो एड्रेनल ग्लैंड में मिलेगा, और एड्रेनल कॉर्टेक्स तो मुझे यहाँ दिख गया, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स है तो एड्रेनल ग्लैंड भी इधर ही होगा। ये रहा आप लोगों का एड्रेनल ग्लैंड, तो इसको पढ़ लेना, इसी में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ठीक है, इसी में मिल जाएगा आप लोगों को, अभी ढंग से मिल नहीं रहा है, ठीक है, पर है नोट्स में ही है आप लोगों को, और उससे ज़्यादा क्लियर है, तो ये सारा कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये इतना याद रखो, एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन एपिनेफ्राइन से होता है, किसके कारण, एपिनेफ्राइन, जो कि हम लोग इसे फाइट एंड फ्लाइट का भी रीज़न देते हैं, ठीक है, तो वो मिल नहीं रहा है, मेन यही चीज़ है, क्योंकि ढूंढ के मैंने तो डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, एड्रेनलाइन, देखो एड्रेनलाइन और एपिनेफ्राइन, एंड नॉर एड्रेनलाइन और नॉर एपिनेफ्राइन, ठीक है, यही होता है एड्रेनल ग्लैंड में, एड्रेनल मेडुला में, और एड्रेनल कॉर्टेक्स में होता है आप लोगों का 3 चीज़, मिनरल कॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोज कॉर्टिकोइड्स और कॉर्टिजोल स्टेरॉयडल हार्मोन, ठीक है, ये देख लो, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, मिनरल कॉर्टिकोइड्स, ठीक है, ये 3 चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये मे भी आप लोगों को नीट 2019 में पूछ दे एड्रेनल कॉर्टेक्स से, ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लो, अप्रैल का मंथ में मैं सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बता दूंगा, और अभी जितना मैक्सिमम मुझसे हो सकता है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन भी हो गया, अब आते हैं इस पे, तो अब ये हो गया आप लोगों का कहाँ का क्वेश्चन हो गया, ये आप लोगों का हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कोलोसम और लिम्बिक सिस्टम, ये हो गया ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो ज़्यादा मैंने पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। फोर ब्रेन, चलो मिल ही गया, दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, द हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाई अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कोल्ड कॉर्पस कोलोसम, द लेयर ऑफ सेल विच ऑकर्स द सेरेब्रलर हेमिस्फेयर इज कॉल्ड सेरेब्रलर एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स, और इसको आगे पढ़ते चले जाओगे तो आप लोगों को मिलते चला जाएगा। यहाँ पे हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम के बारे में पूछा है, लिम्बिक सिस्टम का भी कहानी दिया हुआ है, ठीक है, क्या करता है क्या नहीं करता है, लिम्बिक लोब प्लस हाइपोथैलेमस अलोंग विथ इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सपिरेटरी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, एग्जाम्पल एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन, सारा कुछ आप लोगों को दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चंस नोट से, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम ही पूछा, हाइपोथैलेमस ही पूछा, कॉर्पस कैलोसम ही पूछा, ये तीनों का तीनों तो दिखा दिया, मेडुला ऑब्लोगांटा भी होगा इसमें, अब मेडुला ऑब्लोगांटा भी है इसमें, पर कोई बात नहीं, इसमें नहीं है तो एनसीईआरटी में 100% है, और अभी का अभी मैं दिखाऊंगा पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी,
तो ये क्वेश्चन भी हो गया, तो गिनते जाओ, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार और पांच, पांचों का पांचों आपके सामने दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बता रहा हूँ कि मैंने बताया था, पढ़ाया था, नोट्स है आपके सामने, और ये नोट्स आँख बंद करके कोई भी बोल देगा कब का है ये नोट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। और नहीं तो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चंस पेपर, अब ये तो नहीं समझ में आएगा मालूम है मुझे, नामुमकिन है इसे समझना। तो चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद मैं एक्सपेक्टेड बताऊंगा आप लोगों। द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई, अब आई के बारे में आता है, तो चलो ये भी मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया है। द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाई, तो ये देख लो, ये है सेंसरी ऑर्गन आई का पूरा कहानी है यहाँ पर, ठीक है। अब एक एक लाइन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके उसका आंसर मिल पाएगा, क्लियर है, एक एक लाइन हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा तब आंसर मिलेगा। तो उतना हम लोगों के पास अभी समय नहीं है एक एक लाइन पढ़ने का, बस विश्वास रखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ विजन में देख लेना, जा करके पढ़ लेना, वहाँ मिल जाएगा आप लोगों को शायद, नहीं तो इधर ही मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये भी एनसीईआरटी है, ये भी एनसीईआरटी। फिर आता है ओस्टियोपोरोसिस, तो ओस्टियोपोरोसिस ये किसके कारण होता है, इस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉइड हार्मोन के कारण होता है, किसके कारण, इस्ट्रोजन पैराथायरॉइड हार्मोन, और ये है लोकोमोशन का, लोकोमोशन का कहानी, और ये दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में, ये भी है, पर अभी नोट समझ रहे हो आप लोग, एक क्वेश्चन ढूंढने में मुझे कितना समय लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी पे ही पहुँचा देता हूँ। मैं क्या, मैं कुछ नहीं, सब कुछ एनसीईआरटी से लिखता हूँ, ए टू जेड एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट रहता है। नीट 2016 फेज टू में पूछा हुआ था, मुझे लग रहा था कि गॉट पूछेगा और ये पूछेगा नीट 2018 में, पर चलो ये नहीं पूछा, पर गॉट जरूर पूछ दिया था, ठीक है। तो एक तो फंस गया, तो एक का तो काम बन गया आप लोगों का, चार नंबर आ गया। तो देख लो, एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ इस्ट्रोजन इज अ कॉमन काउज, क्या चाहिए, डिक्रीज लेवल ऑफ इस्ट्रोजन, और पैराथायरॉयड हार्मोन के कारण भी आप लोगों का वो चीज़ होता है। तो एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं दिया नहीं बता सकता हूँ मैं, पर इतना समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ इसमें इस्ट्रोजन ऑप्शन डी में ही दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे दिया, ऑप्शन डी में। तो कोई भी या छोटा सा बच्चा वन क्लास का भी बता देगा कि इस्ट्रोजन आंसर है और इस्ट्रोजन सिर्फ और सिर्फ डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्लियर है। अब आता है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द गैस्ट्रिक सेल, गैस्ट्रिक सेल यहीं से पकड़ना है कि इसमें से गैस्ट्रिक सेल कौन सा है, सारा का सारा गैस्ट्रिक सेल है, पर इनडायरेक्टली हेल्प इन इरेथ्रोपोसिस, तो ये भी नोट्स में मिल जाएगा, पर ये एनसीईआरटी में ही आता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी ही सब कुछ है, तो एनसीईआरटी में दिखाता हूँ आप लोगों को कहाँ पे डाइजेशन एंड डाइजेशन वाला चैप्टर मिलेगा, रुक जाओ, ये तो रिस्पिरेशन है, थोड़ा आप लोग ऐसे पढ़ो, अब उतना समय नहीं है कि अब ये देखो नीट 2018 लिखा हुआ है आप लोगों का, ठीक है, 15-16 में भी पूछा हुआ था, नीट 2018 लिखा हुआ, पेरिटल एंड ऑक्सेंटिक सेल विद सेक्रेट एच सी एल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, और पेप्टिक पेरिटल सेल ही इराइथ्रोपोइसिस में मदद करता है। इराइथ्रोपोइसिस कैसे होता है वो भी शायद मैंने ब्लड सर्कुलेशन में आप लोगों को बताया था, इराइथ्रोब्लास्टोसिस बताया था और इराइथ्रोपोइसिस भी बताया होगा शायद, खैर जो बताया था वो तो आप लोगों को नहीं बताया था, उन लोगों को बताया था, वो इम्पोर्टेंट था, तो खैर वो बात को छोड़ते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्लास में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये देखो, फिब्रिनोजेन ग्लोबुलिन अल्बुमिन, तो ये आप लोगों का ब्लड से क्वेश्चन है, ब्लड से एकदम नॉर्मल आसान सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा आसान सा क्वेश्चन है, नोट्स ही दिखा देता हूँ ना आप लोगों को, ब्लड 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 ब्लड, देखो यहाँ पे आप लोग यहाँ पर आ जाओ, ये नोट्स में जल्दी मिल जाएगा। फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेटिंग ऑफ ब्लड, ग्लोबुलिन हेल्प डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, क्या लिखा हुआ है, जो आया है वही लिखा हुआ है, एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, फिब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेटिंग ऑफ ब्लड, ग्लोबुलिन हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, ये लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, तीन लाइन, ठीक है, और वही है यहाँ पर, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, वही है यहाँ पर, ऑस्मोटिक बैलेंस, ब्लड क्लोटिंग, फिब्रिनोजेन ब्लड क्लोटिंग, ग्लोबुलिन डिफेंस ऑस्मोटिक बैलेंस डिफेंस मैकेनिज्म कोगुलेटिंग ऑफ ब्लड, क्लियर है।
तो ये देखो ये हो गया, एक भी क्वेश्चन नहीं यार, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, तो ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। तो अब कहाँ पर मैं जाऊँ अपना नोट्स पे, छोड़ो नोट्स को, नोट्स को छोड़ो, आ जाओ यहाँ पर आप लोग। क्या ची क्वेश्चन था, रिस्पायरेटरी ऑक्यूपेशनल, अच्छा रिस्पायरेटरी पढ़ाया हूँ तब क्या नोट्स, झूठ मूठ ना पेज पलट रहा हूँ। देखो ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, तो ये ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में शायद यहाँ पर कुछ लिखा हो, इफ सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दिस इन्वॉल्विंग द ब्रीथिंग सो मच डस्ट इज प्रोवाइड, इतना इतना लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फिब्रियोसिस, फिब्रियोसिस जो कि उसमें नहीं दे रखा है, ठीक है, प्रोलीफरेशन ऑफ फिब्रस टिश्यू, ये आप लोगों का एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। पर मैंने बताया था, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था और मुझे याद है। देखो ऑक्यूपेशनल, ये सारा का सारा ऑक्यूपेशनल है, ठीक है। एपनिया एपेंटिनिया, आप लोगों को हाइपोक्सिया मिल जाएगा, रिड्यूस O2 टू सप्लाई, ठीक है। बायोसाइनेसिस ब्राउन लॉन्ग डिजीज बोलते हैं, और ऊपर चल के भी पढ़ा था हाइपोकोमिया डिक्रीज इन CO2 इन ब्लड, हाइपरकेमिया इंक्रीज इन CO2 इन ब्लड, ठीक है। और बाकी देख लो डाइस्पिनिया अस्थमा सारा कुछ बताया था, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये पहला क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, ये पहला क्वेश्चन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पहला क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं गिवन है, पर इनडायरेक्टली तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी तो कम से कम दिया हुआ है, भले ये सब नहीं दिया हुआ है, सिल्कोसिस नहीं दिया हुआ है, पर बाकी ये तो लिखा हुआ है कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। तो इसके बोला था ना मैंने बिटवीन द लाइन्स पढ़ना चाहिए, तो यही होता है बिटवीन द लाइन्स। अब तो समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोलता हूँ मैं, क्लियर है। तो एक आध क्वेश्चन हो जाते हैं वहाँ से, तो बिटवीन द लाइन्स इतना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए पहले भी बोल दिया 90% क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैल्शियम इज एन इम्पोर्टेंट स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज एक्टिवेट्स द मायोसिन ATPS by binding it, ठीक है। और ये भी NCERT में मिल जाएगा, ये भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है, डायरेक्ट NCERT में ही पूछा गया है कैल्शियम इज एन इम्पोर्टेंट। चलो ये भी दिखाई देता हूँ, मार्क होगा तो मिल ही जाएगा आप लोगों को। कैल्शियम आयंस 2018 यहाँ पे है, और यहाँ पर देखो 2016 में पूछा हुआ था, 2018 लिखा हुआ है कि 2018 में पूछेगा, ये कहानी लंबा चौड़ा पूरा समझाया था मैंने जब उस समय था, ठीक है। कैल्शियम के बारे में बताया था, बाइंड ट्रोपिन, कैल्शियम क्या करेगा, बाइंड ट्रोपिन, ट्रोपिन के साथ बाइंड, रिमूव एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन, रिमूव एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन, और यहाँ पर सारा कहानी लिखा हुआ है, ठीक है, सारा का सारा कहानी लिखा हुआ है, पढ़ लेना, क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो पूरा करवा के ही मानूंगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन, तो चल भैया आ जाते हैं हम लोग अपने नोट्स पे। तो ह्यूमन डेंटिशन में मैंने क्या बताया था, एलिमेंट्री कैनाल टीथ होता है, ईच टूथ इज इम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जो बोन, थेकोडोंट बोलते हैं, मेजोरिटी ऑफ मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फ्रॉम टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, उसको बोलेंगे डाइफोडोंट, और फोर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होता है, कैनाइन इंसीजर, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, अच्छा से याद रखो, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, तो उसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। तो कितना टाइप का टीथ पड़े, थेकोडोंट जो कि इम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जो बोन, और डाइफोडोंट बोले, डाइफोडोंट माने क्या, एक आप लोग मिल्क टीथ बोलते होंगे जो कि 5 साल के बच्चा तक का होता है, उसके बाद वो झड़ जाता है, फिर मतलब टूट जाते हैं, फिर परमानेंट टीथ आता है। तो दो तरह का दांत आता है पूरा का पूरा टीथ लाइफ में, तो उसे डाइफोडोंट बोलते हैं। और हेट्रोडोंट मतलब फोर टाइप्स ऑफ टीथ, फोर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होता है, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, और ये जो प्रीमोलर होता है ये बच्चों में नहीं होता, 5 ईयर के बच्चों में ये नहीं होता। तो उनका क्या चीज, चाइल्ड में इंसीजर कैनाइन मोलर, इंसीजर कैनाइन और मोलर होता है चाइल्ड में 212/212, प्रीमोलर इज एब्सेंट इन 5 ईयर ऑफ चाइल्ड्स, ठीक है। तो उससे हट के पढ़ाया है, ऊपर जाकर के पढ़ाया, टोटल 12 टीथ आर मोनोफाइडोंट, मोनोफाइडोंट कितना होता है, 12 टीथ होता है, ठीक है, क्लियर है। अराइज ओनली वन टाइम ड्यूरिंग द लाइफ, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ये
आते हैं जीवन में, ठीक है। बाकी तो दोबारा भी आता है, पर सिर्फ भारत ही ऐसे हैं जो कि एक बार आते हैं, जिसमें 8 प्रीमोलर मोनोफाइडोंट है और 4 थर्ड मोलर है, कितना, 4 थर्ड मोलर और 8 प्रीमोलर मोनोफाइडोंट, क्लियर है। तो ये चीज़ भी आप लोगों का बन गया, ये क्वेश्चन भी बन गया। तो और एक आध क्वेश्चन होगा, और कहाँ पे एक ये क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, स्टोरेज ऑफ यूरिन। तो यार स्टोरेज ऑफ यूरिन बच्चा बता देगा, 6th 7th क्लास का बच्चा ये बता देगा कि स्टोरेज ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लडर में होता है, समझ में आ रहा ना। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन ये भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर नोट्स मिल जाता है तो अभी बता दूंगा, नहीं तो अभी ही बताऊंगा, बताऊंगा तो अभी बताऊंगा, पर NCERT से दिखाऊंगा। और क्या नोट्स नहीं मिलेगा तो वही चाह रहा है NCERT, चलो दिख ही रहा है मुझे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कुछ, एक्सक्रीशन का डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रेटरी है ये, कुछ आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रहा। सही चीज़ ये है कि कुछ मिक्ट्यूशन है और नहीं मिल रहा है यहाँ पर, नहीं है, चलो तो कोई बात नहीं, NCERT में ही आ जाते हैं। मेन बात है नोट्स कहाँ कहाँ चला गया, अब मिल नहीं रहा, दिक्कत वही है, नहीं तो मैं वही पुराना नोट्स ही आप लोगों को डाल देता। यहाँ पर पढ़ लो, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द pH एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूड प्रोक्सीमल, कथा हेनले लूप, हेनले लूप्स यहाँ पढ़ लो, ये पूरा पढ़ लेना आप लोगों को मिल जाएगा हेनले लूप से। हेनले लूप का आप लोगों का काम ही होता है, हेनले लूप का क्या चीज करता है, हेनले लूप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन का देख है, ठीक है, मतलब कम कर देता है उसको, ठीक ना, कॉन्सेंट्रेशन देखो। देयर फोर एज द कॉन्सेंट्रेटेड फिल्टरेट पास अपवर्ड इट गेट्स डाइल्यूट ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ड्यू टू द मेडुलरी फ्लूड। तो वही है हेनलेज ऑफ लूप का काम। अगर क्वेश्चन पूछा जाता था पहले कि अगर हेनलेज ऑफ लूप को हटा दिया जाए तो क्या होगा, हेनलेज ऑफ लूप को हटा दिया जाए तो क्या होगा, तब आप लोग बताओ क्या होगा, सोचो, एनलेस ऑफ लूप को हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनना स्टार्ट हो जाएगा। नीट 2015 का ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये हैंडलेज लूप क्या करता है, हैंडलेज लूप आप लोगों का काम करता है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है उसको उसको डाइल्यूट करता है, ठीक है, उसे डाइल्यूट करता है, समझ में आ गया। तो वो चीज़ तो हो गया, और आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यूरेटर से होगा, और क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरेटर, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप लोगों का प्रोक्सीमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोक्सीमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल करता है। तो ये भी आप लोगों का हो गया, समझ में आ गया, ये भी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो अब हम लोग आ जाते हैं, हो गया अब उसके, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन है, तो गॉट तो अभी बताया यार, गॉट के बारे में जॉइंट्स में दिखाया था आप लोगों को, जॉइंट्स में ही ना दिखाया था, गॉट किधर दिखाया था आप लोगों को, गॉट इधर दिखाया था, ठीक है। और क्या क्या देख लेता हूँ, क्या क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ये समझ के चलो। गॉट है, गॉट में क्या चीज़ था, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, और यहाँ पे देख लो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट। तो हम लोग बी का ए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है, बी का ए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में दिया, तो हो तो गया, हो गया ना, एक ऑप्शन में दिया बच्चा, तो मालूम है यार कि बी का ऑप्शन 1 होने वाला कंफर्म है 100%, और वो सिर्फ एक ऑप्शन में दिया तो समझो कि लड्डू है, और ये एग्जामिनर ने जानबूझ करके बनाया है ऐसा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, जानबूझ कर, क्योंकि यहाँ पे रीनल कैलकुलाई आप लोगों को नहीं मिलेगा, ग्लोमेरुलस नेफ्रिटिस नहीं मिलेगा, ग्लाइकोजूरिया नहीं मिलेगा, ग्लाइकोजूरिया अगर चाहिए तो वो जाना पड़ेगा कहाँ पे आप लोगों को, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, ठीक है, ग्लूकोज का ज़्यादा ये हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको इकट्ठा नहीं मिलेगा, उसके लिए एग्जामिनर ने जानबूझ करके बनाया कि अगर इस बच्चे को ये चीज़ भी याद होगा ना तो वो बना लेगा, नहीं तो वो क्या करता है, जैसे यहाँ पर देख लो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये छोटे से बच्चे को मालूम होगा कि स्टोरेज ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लडर में होता, 6th क्लास से ही बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता। तो ये देखो 333 डी का ऑप्शन में 3 आ रहा है, 333, थोड़ा एग्जामिनर को माइंड को समझो, ए का 444, तो समझ जाओ कि 44 होने वाला है, इसीलिए दो
जगह दे दिया है कि वो जानना चाहता है कि एक एक चीज़ इसको आता है कि नहीं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में मालूम है कि नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन के बारे मालूम है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन और स्टोरेज ऑफ यूरिन। वो सिर्फ एक आंसर को चेक नहीं कर रहा, पूरा का पूरा चेक कर रहा है नॉलेज को, और इसलिए मैच द फॉलोइंग दिया है, ना कि आप लोगों को डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक ना, समझ में आ रहा है? तो एग्जामिनर के तरह से सोचने में अभी आप लोग सोच पाइएगा तो आप लोग टॉप कीजिएगा, ठीक है? तो एग्जामिनर की तरीका से सोचा करो, ठीक ना। और यहाँ पर उसे नहीं जानना है ज़्यादा कुछ, उसे यह जानना है कि कोई भी एक चीज़ आता है कि नहीं इसमें, ठीक है, कोई भी एक सिंगल पीस, क्योंकि ए में फोर का कहीं पे नहीं दिया है, फोर सिर्फ सी ऑप्शन में दिया है, या ए में वन बी में दिया और कहीं नहीं दिया, समझ में आ रहा है ना। सी में टू सिर्फ सी में ही दिया है और कहीं नहीं दिया है, डी में थ्री डी सी ऑप्शन में ही दिया है, डी में थ्री सी ऑप्शन में ही दिया और कहीं नहीं दिया, ठीक है। तो यही चीज़ है, और बाकी आप लोग मिल जाएगा पढ़ना तो पूरा है भाई, हम लोग का पढ़ना स्टूडेंट का पढ़ने का काम है, तो हम लोग तो पढ़ेंगे। बाकी आप लोगों को यही है, एक्सक्रीशन ग्लाइकोजूरिया यहाँ पे है, केटोनूरिया यहाँ पे है, तो क्या है, कुछ भी तो नहीं है, तो 100% एनसीईआरटी से आएगा। रीनल कैलकुलाई यहाँ पे है, क्या है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है यार। और क्या चीज़ था हम लोग, ये ग्लोमेरुलर नेफ्रिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी। हाँ बताओ, आप बोलो, सब चीज़ आपके सामने, कोई चीज़ ऐसा मैं नहीं है कि छुपा करके, और इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट उठा करके दिखाता हूँ, ठीक है। और सब चीज़ आपके सामने, भरोसा करना पड़ेगा, और आप लोग देख लो मेरा नोट्स अभी पढ़े होगे तो पढ़नाओ, ये क्वेश्चन देख लेना, आप लोगों को पेज नंबर में मिल जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ, सारा कुछ मैंने स्पर्मिएशन के बारे में सारा कुछ लिखाया है। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन आप लोगों को आज दिन में ही बोला कि सिर्फ और सिर्फ इसी में होता है, पढ़ लेना, HCG, HPL और प्रोगेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन, खास करके बोला था रिलैक्सिन 2019 में पूछेगा, ये ओवरी रिलीज करता है, दिन में ही बोला, आज दिन में ये वीडियो लेक्चर रिलीज किया था आज, जा करके देख लो, आपके सामने है। सहेली के बारे में आप लोगों को क्वेश्चंस में पूछा था, 33 क्वेश्चंस दिया था, उसमें सहेली के बारे में था। प्रोलिफरेटिव 10 बार बताया कि प्रोलिफरेटिव को फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, सेक्रेटरी को ल्यूटियल बोलते हैं, और मेंसुरेशन में क्या चीज़ होता है, पूरा का पूरा मेंसुरेशन पढ़ाया आप लोगों को, डला हुआ दिन में ही डाला है आज, और ये सारा डायग्राम के साथ पढ़ाया है, तो है कि नहीं, सारा कुछ आएगा यार, एकदम टेंशन मत लो, मेहनत करो, पूरा खुल के मेहनत करो, मार्क्स आएंगे। बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 340 प्लस मार्क्स आएंगे। अब 360 आउट ऑफ 360 मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन कंपटीशन है कि नहीं यार, कंपटीशन नाम का चीज़ है, ठीक है, तो उस कंपटीशन को बनाए रखने के लिए 20 नंबर का थोड़ा फर्क रखेंगे, 20 नंबर बायोलॉजी में, 20 नंबर फिजिक्स में, 20 नंबर केमिस्ट्री, 20 से 30 नंबर फिजिक्स में लेके चलो, 20 से 30 नंबर फिजिक्स में, 20 नंबर केमिस्ट्री में, ठीक है, 20 से 25-24 नंबर, तो ये 30 और 24 मतलब 54 प्लस इधर 20 70 से लेकर के 80 नंबर तक थोड़ा सा फर्क रखेंगे यार, ठीक ना, थोड़ा सा 70-80 नंबर मतलब आप लोग डिवाइड करो तो 20 क्वेश्चन होता है, तो 20 क्वेश्चन इस पेपर में थोड़ा लेवल का डालेंगे, लेवल मतलब एकदम हाई लेवल, ठीक है, एकदम हाई लेवल का मैं बात कर रहा हूँ, एकदम हाई लेवल उन्हीं से बनेगा जो कि पूरा का पूरा अच्छा से पढ़ के आए हैं, और उसी तो कंपटीशन रह किस चीज़ का रहेगा, ठीक है। 2017 में क्या हुआ था, कहाँ का कंपटीशन, 550-600 नंबर कट ऑफ होता है यार, 720 का एग्जाम ले रहे हो, 600 नंबर कट ऑफ दे रहे हो, 530 पे आप लोगों को कॉलेज नहीं मिला था, 530 मार्क्स पे कॉलेज नहीं मिला था 2017 में, ठीक है, वो कहाँ का मतलब है। जेई मेंस में मैं बताता हूँ, 22 नंबर गया था कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ था आप लोगों का 34 की 35 या 40-45 था लास्ट, ठीक है, 360 का बात कर रहा हूँ, 360 में 45 कट ऑफ था, और 140 नंबर लेके आइए NIT कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा। अब NIT में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ब्रांच छोड़ दीजिए, ब्रांच चाहिए तो ब्रांच, अच्छा ब्रांच के लिए थोड़ा अच्छा मार्क्स पर NIT मिल जाएगा इतना पे, ठीक है, तो ये सब कट ऑफ होता है क्योंकि पेपर का लेवल होता है, ठीक है, और पेपर का लेवल गिर जाएगा तब तो हो गया, ठीक है। और इतना क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि इतना मत दो, 22 क्वेश्चन कम से कम टफ डालो, एकदम टफ डालो, एकदम हाई लेवल वाला टफ डालो, मैं खुद बोलता मतलब चाहता हूँ, बोलूँगा थोड़ी ना एग्जामिनर से थोड़ी बात करूँगा मैं, पर मैं भी चाहता हूँ कि 22 क्वेश्चन टफ आए,
ईजी पेपर ना है, मेरा नोट्स पढ़ो फोड़ के आओगे, ठीक है? नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, मेहनत करो, कोई ना कोई जरूर देख रहा है, फोड़ के आओगे। फिजिक्स पढ़ा ही रहा हूँ, केमिस्ट्री दे ही दिया, बायोलॉजी भी बता दिया, सारा कुछ बता दिया, दिखा दिया यहाँ तक आप लोगों को सामने सामने। उतना समय नहीं हो पाता है कि फिजिक्स का भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखा पाऊँ, 30 आधा घंटा चला गया क्वेश्चन करवाने में, पर इतना समझो कि 2018 का क्वेश्चन आप लोगों का लगवा दिया मैंने, एक तरह से 2018 का पेपर लगवा दिया, ठीक है? क्लियर है? तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, 14 क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, 90 में से 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, क्लियर? बाकी का बचता है 76, तो धीरे धीरे देख रहे हैं ना, रिप्रोडक्शन से 7 क्वेश्चन आज दिन में कर लिए, 7 नहीं तो 6 क्वेश्चन कर लिए, तो 14 क्वेश्चन अभी बता दिए, तो अभी बता दिए तो ये होगा कैसे? जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं होगा, एक एक लाइन आपके जुबान पे होना चाहिए एनसीईआरटी का, ठीक है? और आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को 6 क्वेश्चन दे दिया तो 20 क्वेश्चन तो अभी का अभी मिल गया, 6 क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से मैं बोल रहा हूँ, दे दिया तो 20 क्वेश्चन तो हो गया आपके हाथ में, 20 क्वेश्चन। अब उस 20 क्वेश्चन को कैसे पूरा कन्फर्म किया जाए वो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो यहाँ बोल के चला जाऊँगा ना, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, यहाँ नोट्स दिखा के चला जाऊँगा पर पढ़ना आप ही को पड़ेगा, ठीक है? तो चलो अभी क्लोज कर देता हूँ मैं, अब आप लोगों को, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम इसमें टाइम लगेगा यार, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाना है, ठीक है? और आप लोग विश्वास रखिए, आप लोगों को पूरा सारा कुछ मैं बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पे डाल दूँगा आप लोगों को, क्या डालूँ, प्रीवियस ईयर टाइटल डाल दूँगा, प्रीवियस ईयर पेपर करके, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, क्योंकि उल्टा टाइटल नहीं। आप लोग बोलते रहते हो ना कि भैया क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, करवा दो ये करो वो करो, तो आपने पूछा मैंने बता दिया, एनसीईआरटी पढ़ो, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए पूरा का पूरा आंसर, पूरा का पूरा पढ़ जाओ एनसीईआरटी, आपने पूछा मैंने आंसर दिया। अब जिनको करना है, देखो 3-4 स्टूडेंट है जिनको मुझे करवा के रहना, पर्सनली मैं नहीं जानता हूँ, पर्सनली सिंगल स्टूडेंट को नहीं जानता हूँ, पर है 3-4 हो गया है, कनेक्शन बैठ जाता है, हो जाता है, ठीक है? तो मैं उन लोगों को करवा देना, अब यहाँ पे डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता हूँ तो इसके लिए सॉरी, ठीक है, करवा दूंगा आप लोगों का, और अपना 100% मैं दूंगा एकदम ईमानदारी के साथ, और दे रहा हूँ इसे, मुझे थोड़ी ना पढ़ना, पर तब भी मैं अपने हैंड से लिखता हूँ, खुद से पढ़ता हूँ, क्योंकि उसे प्रैक्टिस करने से समझ में आता है हाँ क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, ठीक है? और आपको अपना 100% देना पड़ेगा, मिल के देंगे तो कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है? तो आपने पूछा क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, दिखा दिया आप लोगों को, और आप लोगों को एक दिन आऊँगा मैं, कल ही आ जाऊँगा, होली होली अभी कोई होली नहीं हम लोगों का, अभी रंग है सिर्फ पर बेरंग है, ठीक है? रंग है पर बेरंग है, खुशबू नहीं है उसमें, ठीक ना? जब तक स्टेथोस्कोप मिल नहीं जाता है तब तक कोई रंग नहीं कोई खुशबू नहीं, ठीक है? तो अभी बाद में हम लोग देखेंगे रंग के बारे में, ठीक है? स्टेथोस्कोप चाहिए हम लोगों को, वो ज्वेलरी खरीदने से भी नहीं खरीद मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? तो आऊँगा आप लोगों को एक दिन, सारा आप लोगों को बताते चलूँगा कि कहाँ कहाँ, देखो जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो ये सब आप लोगों को बताते चलूँगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नीट 2018 में बताया था पर नहीं आया था नीट 2018 में, सारा कुछ थोड़ी उठ के आ जाएगा यार, ऐसे तो उतना भगवान थोड़ी ना हूँ मैं, तो ये चीज़ नीट 2019 में कर दूंगा आप लोगों को, ये जैसे आ गया नीट 2018 तो ये अब नहीं आएगा, ठीक है? तो इस तरीका से मैं बताऊंगा, यहाँ था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये 2019 में मे भी पूछते, तो इसी तरीका से मैं आप लोगों को बताते चलूँगा, आप लोग करते चलना लिखते चलना, ठीक है? समझ में आ रहा, ये क्वेश्चन 2015 एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ करके आया था, पेपर उठा के देख लेना आप लोग, मिल जाएगा डायरेक्ट एनसीईआरटी, तो ये एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कर लेना। हाँ देखो पढ़ना क्या है बता दिया, आप लोग पूछे क्या पढ़ना है मैंने बता दिया, कोई भी कन्फ्यूजन हो बायोलॉजी में, कोई लाइन समझने में, कोई कॉन्सेप्ट समझने में, वो पूछो, समझा दूंगा मैं, ठीक है? एकदम आराम से समझा दूंगा, खुला हम पूछो आप लोग, मैं समझा दूंगा, आकर के 5 मिनट 6 मिनट समय लगेगा, समझा दूंगा, ठीक है? और इम्पोर्टेंट बताऊंगा, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है कि एक एक चीज़ मैं बताऊं, सैचराइड क्या होता है, माल्टोज क्या होता है, डाई सैचराइड क्या होता है, शुगर क्या होता है, ठीक है? उतना समय नहीं है ना मेरे पास ना आपके पास, अभी है कि कैसे भी करके हम लोगों को मार्क्स लाना, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, पढ़िए और दम लगा कर पढ़िए, ठीक है? और सक्सेस मिलेगा 100% मिलेगा, ठीक ना? और टॉप करोगे यार, जिस तरह मैं बोलता हूँ पढ़ जाओ टॉप करोगे, सक्सेस का तो दूर का बात, टॉप करोगे, ठीक है? 100% करोगे, जो भी जिनको जो सोचना है सोचने दो, आप टॉप